मानसिक संतुलन बना था करता बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन, वो भी कर्मचारी के लिए बना, क्योंकि हमारा जो पढ़ा लिखा समाज है कर्मचारी में, और जो साधन जो जिसके पास है वो भी कर्मचारी है, क्योंकि हमसे जमीन छीन ली, शिक्षा छीन ली, पानी, मतलब जिंदा रहने के सब साधन हमसे छीन ली, तो जो साधन संपन्न लोग हैं कर्मचारी, कर्मचारियों में ही संगठन बनाया गया। बामसेफ का जो कंट्रीब्यूशन जो मैं मानता हूँ पूरे देश भर में सामाजिक चेतना जो होनी चाहिए उसमें बहुत बड़ी बामसेफ की भूमिका रही, लेकिन जो एम्प्लॉइज बोल रहा हूँ मैं उसमें ट्रेड यूनियन का कब जाया पड़ा, जो एम्प्लॉइज मीन्स ट्रेड यूनियन, वो जो ट्रेडिंग वाली भूमिका है वो मैं समझता हूँ बामसेफ ने नहीं निभाई। वहाँ ट्रेड यूनियन जब देखेंगे हम तो एम्प्लॉइज की जब बात आएगी वहाँ सबसे जो आजादी की आंदोलन में जो ट्रेड यूनियन है पौधे को
पानी देने के लिए मालिक का जो कार्य है रोज बनना का कार्य है, इसलिए वहां स्थायी कर्मचारी भर्ती होना चाहिए, साल में 20 दिन से ज्यादा होता है। सिक्योरिटी का काम वो 8 घंटे नहीं बल्कि सिक्योरिटी बल्कि इमरजेंसी जो 24 घंटे चोरी कभी हो सकती है, वो 3 शिफ्ट में वो सिक्योरिटी होती है। टीचिंग का काम रोजमर्रा का है, लेकिन आज देखें कि आप एक साजिश के तहत पूरे देश भर में छटनी कर देगी, छठा वेतन आया भारत सरकार का अपने श्रम कानून के खिलाफ, छठा वेतन आया ग्रुप डी के आउटसोर्सिंग कर दी, लेकिन कोई आंदोलन मूवमेंट नजर आया जिनकी करोड़ों करोड़ों मेंबरशिप है सड़कों पर नजर आए। ये सब सवाल मैं खड़ा हो सकता हूँ सोचने वाले सवाल, और मैं मानता हूं कि जो हमारी एटम मूवमेंट में जो तैयारी होनी चाहिए, और अभी तो बहुत बड़ी साजिश हो रही है, बहुत बड़ी साजिश जिन श्रम कानून की बदौलत हम लोग हमारी भर्ती हो गई, भर्ती होने के बाद जो हमारी थोड़ी बहुत तरक्की हो गई उनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, पछ नहीं पा रहा है, तो साजिश के तहत पूरा सब प्राइवेटाइज पूरा देश बेचने वाला। तो ऐसे हालत में अभी जो 44 जो लॉ है तो ताकत श्रम कानून है, इस साजिश के तहत पूरे सारे सारे लॉ बदले जाने वाले, पूरी तैयारी चल रही थी 4 फटाफट करने की तैयारी होगी। हमारे जो मोदी साहब जो विदेश जा रहे हैं वो कटोर लेकर के आप अपनी पूंजी लेके आइए, खाली पूंजी वाले सवाल नहीं है, पूंजी की बात नहीं है उसमें, पूंजी के साथ साथ वो कहते हैं कि आप मेट्रो बनाइए, बुलेट ट्रेन बनाइए, अर्थात पूंजी के साथ अपने टेक्नोलॉजी लेके आइए आप, क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी क्या है, वो ज्ञान नॉलेज। इनसे पूछो भाई जब आरक्षण की बात आती है तो आप दम करते हैं मैरिटेड, हम तो पूरे नालायक लोग हैं और हजारों साल से आप कब्जा है ज्ञान के ऊपर, आपने 90% 90% आबादी को पढ़ने नहीं दिया आपने, और आज तो आप विदेश में जा रहे हैं क्या लेके आइए अपना टेक्नोलॉजी लेके आइए, और सिर्फ जो कर्मचारी क्षेत्र है मैं उसी की बात नहीं कर रहा, जो शिक्षा का क्षेत्र है, शिक्षा में जो सरकारी शिक्षा तंत्र था उसके मुकाबले में प्राइवेट शिक्षा तंत्र खड़ा कर दिया गया, जो बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी जहां पर पूरी साल का काला हंडी का बच्चा भी आकर के जेएनयू में पढ़ना है कम से कम 20 में डीयू में साजिश है, जैसे स्कूल डैमेज कर दिए उसको डैमेज करने की तैयारी होती, हमारे बच्चा स्कूल में इसकी प्रतिभाओं को तराशा जाना चाहिए, साजिश के तहत उसकी प्रतिभाओं को खत्म कर दिया जाता है। डाउटेड बड़ा डाटा है कि 5वीं तक कितने बच्चे जा पाते हैं, 8वीं तक कितने जाते हैं, 10वीं तक कितने बच्चे जा पाते हैं, 12वीं कॉलेज कितने बच्चे जा रहे हैं, डाटा हमारे पास है, और वो कौन हुए हुए क्या आपने जब ये हो रहा है तो उसको सुधार करके स्टेट में छोटे छोटे सवाल शिक्षा वाला हो गया, स्वास्थ्य से बोला स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य का धंधा नहीं होना चाहिए, तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है शिक्षा का धंधा हो गया धंधा बना लो आप, स्वास्थ्य का धंधा हो गया आप ठीक ठाक है हॉस्पिटल चले गए हो दादी बोले नहीं आपको कितनी पढ़ना पढ़ाना दस देंगे आप प्राइवेट, आदमी मर जाता है वेंटिलेटर नहीं ठीक है, कोई वेंटिलेटर बिठा दिया उसका उनका बिल चालू होगा, तो जो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के कार्य है उस पर भी इन्होंने पूरा पूरा धंधा बना दिया, जो वेंटिलेटर बता रहा हूँ वेंटिलेटर बनिया वाला जो वेंटिलेटर है जो कैपिटल क्या होता है बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा ना भैया कहते हैं क्या कि मैं वो हर एक चीज में धंधा करना था प्रॉफिट प्रॉफिट, बाबा साहब की पूरी फिलोसफी क्या बोले स्टेट सोशलिज्म मतलब राज्य समाज का जमीन, बाबा साहब ने बोला
जमीन जो पूरा जमीन जो है इंडस्ट्री है जो पूरा स्टेट का होना चाहिए। सारा गड़बड़ वहीं से वहीं से सारा। साथियों मैं तो कहना चाह रहा था विषय पूरा निवासी कर्मचारियों की, सबसे पहले तो हमारा जो भर्ती होते हैं, भर्ती होने पर हमारा जो हिस्सा होता है वो नहीं दिया जाता, कोटा होता है अपना, उसे बड़ी जबरदस्ती लेना पड़ता है। अभी आपने उठाएंगे जब 70 साल में हमारा हिस्सा नहीं देंगे, फिर वो जो अनटचिंग प्रैक्टिस है वहां भी है पूरा बैंकर है वो डायरेक्टली इनडायरेक्ट। आप नेता बनेंगे अच्छा नेता बनना सर उठाता है हमारा, सबसे पहले सर नेता को कुचले जाते हैं, तो नेता बनने के लिए वहां आपको सिर्फ ढूंढने चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं मतलब कॉन्टैक्ट सेंटर में नहीं किस तरह वो साजिश के तहत है और कुछ वॉचित होती है वो कानून का एसएस के बाद, लेकिन वो कानून भी लागू नहीं हुआ था एफआईआर दर्ज नहीं हुआ एफआईआर दर्ज हुआ दबा दे देता उसको, और जो लाल टीका लाल एफआईआर लॉज भी हो गई पूछो जो अंतिम काम था लास्ट का फन पाता क्या धन के साथ बैठे हुए इतना बैठे और मैं सेक्टर में। ये तो हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें साथियों, अनऑर्गेनाइज सेक्टर इतना बड़ा सेक्टर है वहां पूरे वर्क पावर का 96% बढ़कर पर काम करता है, वहां तो बहुत ही देर है। और पूरी जो लड़ाई है पूरा रावण कल्चर बनाम समन कल्चर, रावण मतलब जो कोई श्रम नहीं करता है जो उत्पादन नहीं करता है, समन कल्चर जो उत्पादन करता है बिना उत्पादन के कोई सृष्टि नहीं चल पाएगी, समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा, समाज में किसान के खजाने में काम नहीं कर पाएगा तो दिल्ली शहर जितना नहीं रह पाएगा, उसके कल्याण में किसान कौन है जन बनाओ झाड़, लेकिन किसान असली किसान कौन है, असली किसान हमारा भाई है बहन है, लैंड लेस लेबर जो कौन है उसमें पूरा हम लोग है, उसकी मेहनत का दाम मिलता है क्या उनका, फिर सवाल आने वाला अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर दाम कौन देता है उसका भाई, कोई बहुत बड़ा सेल हम कहते हैं कि भाई जिस खेत के ना खेत से भी उस किसान का पेट नहीं भरता है कह रहे उस खेत पावर लगा दो। तो मैं कहना चाह रहा हूं आज भी हम देखते हैं ना जो आरक्षण जो हमको मिला पार्लियामेंट में जहां नंबर ज्यादा है असेंबली में वहां ना हो पा रहा है, और यूपीएससी में जहां संख्या ज्यादा है वहां लेकिन जहां संख्या कम है, तो जैसे हमारे यहां कुछ कॉलेज ऐसे जो आजादी से पहले के बन रहे हैं, हमारे साथ एक कॉलेज दो से कंप्यूटर होते हैं आजादी से अब तक बहुत सारे ऐसे कॉलेज एक भी सच्चा कंप्यूटर बनाए हैं। पहले वैकेंसी बेस्ड रोस्टर होता था, वैकेंसी बेस्ड रोस्टर को 45 रोस्टर ही बोलते थे, यानी 40 पोजीशंस हैं, 40 का 15% 6 पोस्टें, 40 का 10% 4, 5% 2, 6 पोस्टें और ट्रैवल का 3, 6 और 3, 9 पोस्टें बनती है हमारी, पहली पोस्ट शुरू कर जाएगी हमारी बढ़ जाएगी पहली चौथी ऐसा होता। लेकिन हम कह रहे हैं हम सवाल है कि भाई 50 लेके पहला अधिकार भी सिंगल आदमी नहीं मिला हमको, हमको हमारा बहुत सारे पूरे चक्र देखेंगे आपको हमारा आत्मा भाई सिंगल आदमी नहीं मिलेगा। फिर सरकार ने नया रोस्टर बनाए 205 रोस्टर पोस्ट बेस्ड रोस्टर, कोई तो हमारे चौहान साहब बोल रहे थे ना चौहान साहब से हमारी 2000 दोस्ती हुई थी, दो बच्चों ने सुसाइड कर लिया था उसने हमारे हिंदू कॉलेज में, मैं बड़ा फील हुआ, हमने उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में अम्बेडकर स्टूडेंट होने से मिला। और साथ ही 90 के अंदर 90 में हमारे चौधरी हरपुर सिंह कश्यप साहब थे, उन्होंने कश्यप साहब को बोला था मेरा और दोस्त उनके फुलंदी भी तो फेल करा के लाए थे। 90 में दिल्ली में नारे लिखे हुए थे मंडल कमिश्नर लाओ बोलो मंडल कमिश्नर काले करो, और ओबीसी के भाई जो थे हमारे वो हरियाणा में घर जला रहे थे, तो हमने उस समय कासराम साहब से बोला था सर ये तो घर जला रहा है कोई सपोर्ट कर रहा है, उस समय कासराम साहब ने बोला ये ब्राह्मणवाद के चक्कर में फंसे हैं वहां से नहीं निकालेंगे आप घर जलाएंगे क्या हमारे का, तो उस समय ओबीसी क्या बोल रहा था हमें आरक्षण नहीं चाहिए, आज ओबीसी क्या बोल रहा है हमें आरक्षण चाहिए। मैं 90 का वो समय मैंने देखा, मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में उस
समय किसी हिम्मत नहीं थी कि मंडल के समर्थन में आचरण समर्थन में बोले हमने वहां मंडल चौक की स्थापना करी घर से हमने मुद्दे बता रहे तो बात में समझ में आएगा इसका साथ मैंने तो पहुंच भी नहीं बहुजन जो है वो 4951 नहीं है वो जो व्यापार ऐसी जो श्रमण करता उत्पादन करता बहुत बड़ा अमाउंट 90% है और वो बिना ओबीसी के लाए आपका भोजन नहीं मांगते उसका वो जब तक हम उनको साथ मिलाएंगे तो भोजन नहीं मिल पाएगा और मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ा जो जो बता दी हमारा जो ब्राह्मणवादी फ्लोर्स का कब्जा आया था 2 साल से पुनः वो कम्युनिस्टों से वो समाजवादियों से वो इनसे भी घबरा रहा कि ये जो खुदरा है खुदरा में दो चेयरमैन सुधरा अन्य चेयरमैन सुधरा ओबीसी और ये एक नाथ सुधरा कम है जो कुत्ते में सबका बटाओ सीधा देसी भाषा सुधरा वो सुधरा है चेवल सुधरा ओबीसी है अंडे जो उतरा अंडे जो हमें तो ज्यादा बार ज्यादा बारा साथियों ये बहुत बड़ा इतिहास है आज भी पूरा एक साजिश के तहत कभी कभी लगता है कि इतनी मतलब उनके दिमाग को अभी इतनी सलाम बड़ी बड़ी है इतनी साजिश करते हैं वो मतलब भूल के बच्चे के साथ अर्थात ये भविष्य हमारा शिक्षा के साथ स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करता है और वो बोलता है भारत माता की जय सबसे बड़ा देश जो मुल्क के बच्चे के साथ उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है मैं समझता हूँ सबसे बड़ा इंटरनेशनलिस्ट है सबसे बड़ा वो क्या बोले इंटरनेशनलिस्ट को राष्ट्रवादी तो हो गया लड़ाई जब भी मुझे तो भाई सब नाम काम करे सब जाते जाते जाते